दोस्तों, किस्मत के खेल भी बड़े अजीब होते हैं। कई बार ऐसी कहानियां निकलकर सामने आती हैं जिन पर भरोसा करना भी मुश्किल हो जाता है। यह कहानी भी एक ऐसी महिला की है जो अब पाकिस्तानी हैं, लेकिन उनके खून के रिश्ते वाला परिवार हिंदुस्तान में ही रहता है। उनके दिल में अपनों से मिलने की बहुत तड़प है, लेकिन सरहदों की बंदी से हैं। इससे भी बड़ी बात यह है कि 40 सालों बाद यह पता चलता है कि वह जिंदा हैं। साथ ही वह रिश्ते भी बेपर्दा होते हैं जो सगे कहे जाते हैं। इन 40 सालों में उस महिला की पूरी दुनिया ही बदल गई। जब उन्हें सरहद को पार कराया गया तो उनकी उम्र केवल 10 साल थी। वह अपनी इच्छा से पाकिस्तान नहीं गई, बल्कि उन्हें पहुंचाया गया। दोस्तों, पेशेवर तौर पर बीते 20 सालों में मैं सच्ची कहानियाँ लिखता रहा हूँ, लेकिन कुछ कहानियाँ दिलों को छू जाती हैं। सचमुच यह पूरी कहानी भी दिल को छू लेने वाली है। कई बार वास्तविक जिंदगी में भी काल्पनिक चीजें बिल्कुल सच हो जाती हैं। फिल्म बजरंगी भाईजान की कहानी केवल एक परिकल्पना थी, लेकिन यह बिल्कुल हकीकत है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिल्म बजरंगी भाईजान में मुन्नी को सरहद पार करा दी गई थी, लेकिन इस मुन्नी को सरहद पार कराने वाला कोई नहीं मिला। अब आप भी सोच रहे होंगे कि मुन्नी के साथ आखिर यह सब हुआ कैसे। दरअसल मुन्नी उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद शहर के संभल कस्बे के मोहल्ला सराय तरीन हिजड़ान की रहने वाली थी। उनके पिता का नाम था छिद्दन। साल 1981 की बात है। मुन्नी की उम्र उन दिनों करीब 10 साल थी। उनका एक रिश्तेदार ही मुन्नी को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाता है। उसे पहले हरियाणा ले जाया जाता है, फिर राजस्थान, और उसके बाद सरहद पार करा कर पाकिस्तान में बेच दिया जाता है। मुन्नी सब कुछ देख रही थी, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक घर से दूसरे घर वक्त यूं ही बीत जाता है। मुन्नी अपनों के पास तो जाना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इधर मुन्नी का परिवार भी बेटी के लिए परेशान रहता है। वह अपने स्तर से उसकी खोजबीन भी करते हैं, लेकिन जब बेटी का कुछ पता नहीं चलता तो वह लोग भी शांत बैठ जाते हैं। बाद में एक पाकिस्तानी व्यक्ति से मुन्नी का निकाह कर दिया जाता है। मुन्नी की 3 बेटियाँ होती हैं, 1 बेटा होता है। मुन्नी ने हालातों को देखते हुए वक्त से समझौता तो जरूर कर लिया था, लेकिन बड़ी बात यह थी कि उन्होंने अपने दिल में सगे रिश्तों की यादों की मोहब्बत को हमेशा जिंदा रखा और अपने दिमाग से हिंदुस्तान की यादों को भी नहीं मिटने दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुन्नी के दिल में अपनों से बिछड़ने की कशक बरकरार थी। मुन्नी एक अजीब से दर्द में जिया करती थी, क्योंकि चाहकर भी मुन्नी के दिल और दिमाग से वह बातें नहीं निकल पा रही थीं जो बचपन से उनके साथ जुड़ी हुई थीं। वह अपनी बातों को कुछ लोगों से शेयर भी किया करती थीं। कराची में मुन्नी की बातों को एक एक्टिविस्ट ने अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किया और उनका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो वायरल होते हुए जब उत्तर प्रदेश के संभल पहुँचा तो उनके भाइयों व अन्य लोगों ने, जो परिवार के अन्य लोग थे, उन्होंने उस वीडियो को देखा और मुन्नी को पहचान लिया। पहली बार उन्हें भरोसा भी नहीं होता कि यह वही मुन्नी है जिसे वह मरा समझ चुके थे। दोस्तों, खून के रिश्तों में बहुत ताकत होती है। दिलों में मोहब्बत हो तो वह हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं। मुन्नी के भाई अकरम को पता चलता है अपनी बहन के बारे में तो वह बहुत खुश होते हैं। वीडियो कॉल के जरिए वह मुन्नी से बात करते हैं। बात करने के बाद मुन्नी की आंखों में जो चमक थी, जो खुशी थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ अकरम और उनके परिवार के लोग, मुन्नी की भाभियाँ, मुन्नी के भतीजे, मुन्नी की भतीजियाँ, सभी लोग उनका पता चलने पर बहुत खुश होते हैं। मुन्नी ने अपने दिल में अपनों से मिलने की उम्मीद का चिराग रोशन किया है। इधर हिंदुस्तान में रह रहे उनके भाई अकरम व परिवार के अन्य लोग भी फरियाद कर रहे हैं कि मुन्नी को हिंदुस्तान लाया जाए ताकि वह उनसे दिल खोलकर मुलाकात कर सकें। मुन्नी के भाइयों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ना उनके पास पासपोर्ट है ना वीजा, लेकिन बहन से मिलने की दिल में ख्वाहिश जरूर है। उधर मुन्नी की स्थिति भी ठीक ऐसी ही है, लेकिन मुन्नी कानूनी तौर पर अब पाकिस्तानी नागरिक है। मुन्नी और उनका हिंदुस्तानी परिवार फरियाद कर रहा है और उनके दिलों में उम्मीद भी है कि उनका मिलन ज़रूर होगा। वैसे उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जो मुन्नी को गलत तरीकों और इरादों से पाकिस्तान लेकर गया और उसे वहाँ गैरों के सपुर्द वो कराता है। वैसे ऐसे लोग वास्तव में रिश्तेदार या परिचित कहलाने लायक कतई नहीं होते। जरा सोचिए उस व्यक्ति की सोच कैसी रही होगी और फिर क्या पता कितनी बेटियों को यूं सरहद पार कराई गई हो। दोस्तों, आपको भी यह कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।